बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम आफ्ताब पारदेसी। मेरे दोस्तों, मैं आज आपके सामने अडोब फोटोशॉप के बारे में एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अडोब फोटोशॉप में, इस तस्वीर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपना रंग गोरा कैसे किया जा सकता है अडोब फोटोशॉप में। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना अडोब फोटोशॉप ओपन कर रखा है, तो आप भी अपना अडोब फोटोशॉप ओपन करें। मैं अभी अपनी जो है तस्वीर को इंपोर्ट करूंगा, फाइल में जाके ओपन करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस उसे भी ओपन हो जाएगा। ये मेरी तस्वीर डेस्कटॉप में सिलेक्ट करके मैं ओपन करता हूँ, ये मेरी तस्वीर आ गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक लैसो टूल ऑटोमेटिकली रंग को पकड़ता है, मैं मैग्नेटिक लैसो टूल ही यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये देखें कि अपनी जो है वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। मैं अपने चेहरे को सिलेक्ट करूंगा, और हाँ, सबसे जरूरी बात है ये याद रखें कि आपके बाल ज्यादा उगे हुए ना हो, और बालों को भी लाजिम सिलेक्ट करें ताकि हमारी तस्वीर जो है वो जाली ना लगे, हमारी तस्वीर फेक ना लगे, ओरिजिनल लगे। बालों को सिलेक्ट लाजिम करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से जो है आप अपना रंग गोरा कर सकते हैं तस्वीर में, किसी भी तस्वीर को बेहतर बनाया जा सकता है अडोब फोटोशॉप में। देख सकते हैं कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने फेस और बालों को। देख सकते हैं सिलेक्ट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ इमेज में, इमेज के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद कर्व्स जो है, कर्व्स में जाके तो मैं उनको ओके करूँ, या फिर कंट्रोल प्लस एम भी यूज कर सकते हैं हम कर्व्स से। ये देखिए, ये लकीर को ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। देखिए मेरा रंग कितना साफ हो गया है। अब मैं कैंसिल करूंगा, दिखाऊंगा। ये देखिए मेरा पहले कैसा रंग है। अभी फिर से मैं कर्व्स ओपन कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस एम से। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा ऊपर करना, ज्यादा ऊपर नहीं करना, मेरा रंग कितना साफ हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप भी अपनी तस्वीर को जो है अच्छा बना सकते हैं, अपना रंग साफ कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अभी उसको सिलेक्शन को हटा दिया, आप सेव कर फाइल में जाके सेव एज करें, जहाँ सेव करनी है वो सिलेक्ट करें जगह और सेव कर दें, या फिर शिफ्ट कंट्रोल प्लस एस भी यूज कर सकते हैं आप सेव करने के लिए। अभी मैं ये देखिए फोटो का नाम लिख रहा हूँ, फोटो मेक बेटर है मैं नाम दिया मैंने। ठीक है, ये देखें, अब फॉर्मेट में जाके जेपीईजी फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है, और ये देखें ये दो ऑप्शन नीचे, इनको नीचे ना और ओके कर देना सेव पे। इधर ओके कर देना, आपको जो क्वालिटी चाहिए, ये तीन सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, आप बेसलाइन जो है वो फॉर्मल इमेज का कोई भी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसलाइन रख सकते हैं, प्रोग्रेसिव रख सकते हैं। ओके, बाद ओके करके सेव कर दिया। सेव करने के बाद अडोब मैंने क्लोज कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी तस्वीर कैसे थी पहले और कैसे बन गई है। ठीक है, देख सकते हैं कैसे रंग था मेरा, फिर कैसे हो गया है आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी तस्वीर को बेहतर बना सकते हैं, अपना रंग गोरा कर सकते हैं किसी भी फोटो में, बहुत ही आसान तरीका है। अब तक के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मैं इंशाल्लाह मजीद वीडियोस अडोब फोटोशॉप के बारे में लेके आपके सामने हाजिर हूँ अगली दफा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय फॉर नेक्स्ट टाइम।